हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम रीड करने जा रहे हैं क्लास एट का सेकेंड चैप्टर ग्रामर का। इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर सेकेंड। यह आपका है चैप्टर सेकेंड, टाइटल क्या है आपका? नाउंस। नाउंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या होती हैं, किस उसमें क्या चीज़ होती है, डिफिनेशन उसकी। चलिए हम रीड करते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल, ए फीलिंग और एन आइडिया। मतलब नाउन की डिफिनेशन हम पहले जानते हैं कि जो हमारी नाउन की डिफिनेशन में क्या क्या, ए पर्सन के बारे में बताया जाता है, प्लेस के बारे में बताया जाता है और एनिमल्स के बारे में बताया जाता है और उसकी फीलिंग और आइडियाज़ के बारे में बताया जाए। ये सारी चीज़ें जिसमें होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो नाउन कहलाता है। तो आप डिफिनेशन लर्न कर लीजिएगा पहले इसको। फिर आपका आता है काइंड्स ऑफ नाउंस, मतलब नाउंस कितने काइंड्स होते हैं। चलिए फर्स्ट आपका है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फोर आपका है कलेक्टिव नाउंस। ये सारी चीज़ें आप अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके होंगे, लास्ट क्लास में जो आप सिक्स में पढ़ चुके होंगे, सेवन्थ में। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ क्या क्या चीज़ें ये हैं। तो फर्स्ट आपका है प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, मॉन्यूमेंट आर बिल्डिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। ये सारी चीज़ें जैसे पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, मॉन्यूमेंट आर बिल्डिंग्स इज कॉल्ड क्या होती है आपका, प्रॉपर नाउन होती है। जैसे एग्जांपल नरेंद्र मोदी, इंडिया, इंडिया गेट, दिल्ली, ETC एसेट्रा आपका। ये सारी आपके एग्जांपल, बाय चांस आपसे कोई डिफिनेशन करे कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, तो आप बता सकते हैं द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, मॉन्यूमेंट आर बिल्डिंग्स इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। और एग्जांपल भी आप बता सकते हैं नरेंद्र मोदी, इंडिया गेट, दिल्ली एसेट्रा। उसके बाद आपका आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जैसे गर्ल बॉय में दोनों में कॉमन हो। जैसे आपके गर्ल जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो भी इंजीनियर हो सकती हैं, बॉयज़ आपके होते हैं वो भी इंजीनियर हो सकते हैं, आपकी गर्ल्स टीचर हो सकती हैं, बॉयज़ भी टीचर हो सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें जिसमें कॉमन हो, जो दोनों में हो, वो आपका क्या हो जाता है, वो कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे देखते हैं द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग इज़ जनरल इज़ कॉल्ड ए कॉमन नाउन। आपका पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये सब क्या जनरली थिंग जो आपकी होती हैं वो क्या होती हैं, कॉमन नाउन। जैसे बॉय, टेबल, संडे, स्कूल एसेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, कॉमन नाउन में आती हैं। उसके बाद आपका आता है टॉपिक अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आपका, अबस्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट ऑफ ए पर्सन, सिचुएशन और थिंग विच इट कैन नॉट बी सीन आर टच्ड, इट कैन नॉट बी काउंटेड इन टर्म ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स एंड सो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन जो आपका होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसको ना दिखा सकते हैं, किसी को हम बता नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं, फील करके बता सकते हैं, लेकिन हम किसी को दिखा नहीं सकते। वो चीज़ें जो हमारी होती हैं वो किसके अंडर आती हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती हैं। तो फर्स्ट आपका होगा एडजेक्टिव, जैसे ब्यूटीफुल, हॉनेस्टी, क्या किसी की मतलब आप ब्यूटी को आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो इतने ब्यूटी उसके पास है, लेकिन उसको फील कर सकते हैं आपकी वो ब्यूटी है, ऑनेस्टी हो गई, ये एडजेक्टिव आपके होते हैं, ठीक है। फिर ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्रेव, गुड, ब्रेवी, गुडनेस, तो ये सारी चीज़ें जो एडजेक्टिव हैं उसको हम अबस्ट्रैक्ट नाउन में इस तरीके से चेंज करते हैं। ब्यूटी, ब्यूटीफुल है तो आपका ब्यूटी हो जाएगा, हॉनेस्ट है तो आपका ऑनेस्टी हो जाएगा, ब्रेव है ब्रेवरी और गुड का गुडनेस हो जाता है। इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसको हम फील करते हैं, ठीक है। फिर आपका दिया गया है वर्ब्स अबस्ट्रैक्ट नाउन, कैसे वर्ब को हम अबस्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं। फर्स्ट आपका है अरेंज, तो अरेंजमेंट हो जाएगा, प्लीज़ तो प्लीजर हो जाएगा आपका, ओबे, ओबिडेंट, पनिश, पनिशमेंट। इस तरीके से हम अगर वर्ड्स को बोलते हैं, तो अगर कोई वर्ड्स आता है, पनिशमेंट आता है, तो आप तुरंत वहाँ पे पहचान जाएंगे तो जो पनिशमेंट वर्ड है वो हमारा किस में है, अबस्ट्रैक्ट नाउन में। अगर उसमें नाउन पूछा जा रहा है कि कौन सा नाउन है, तो अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आपका ओबिडेंस कहीं से आता है तो आपका भी अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगर ओबे सिर्फ आता है तो ये आपका वर्ब में होगा। अरेंज होता है, अरेंजमेंट आता है तो ये आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन में रहेगा।
इस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। कॉमन नाउन्स अब स्ट्रिंग नाउन, कॉमन नाउन को कैसे अब स्ट्रिंग नाउन में चेंज कर सकते हैं। चाइल्ड है तो चाइल्डहुड जो हमारा हो जाएगा किसमें हो जाएगा, अब स्ट्रिंग नाउन में हो जाएगा। किंग तो किंगडम, किंग का किंगडम हो जाएगा। राज जो आपका होता है। स्लेव स्लेवरी, हीरो हीरोज, तो इस तरीके से हमारा चेंज किया जाता है, इस तरीके से आपका चेंज होता है। सिंस अब स्ट्रिंग नाउन्स आर अनकाउंटेबल दे हैव नो प्लूरल फॉर्म्स, जो हमारा अब स्ट्रिंग नाउन होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, मतलब उसको हम क्या काउंट नहीं कर सकते, वो हमारा प्लूरल में नहीं होता, प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। जैसे होप चैरिटी लव काइंडनेस, ये सारी चीज़ें हमारा होता है। फर्स्ट सम अब स्ट्रिंग नाउन्स है प्लूरल फॉर्म, कुछ ऐसे भी अब स्ट्रिंग नाउन होते हैं जिनके हमारे प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। शी हैज सो मैनी मेमोरीज ऑफ हर पास्ट, मतलब उसके पास बहुत सारी मेमोरीज हैं पास्ट टाइम की, ठीक है। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन्स आपका आता है। फिर व्हेन वी शो मैनी सेम पर्सन प्लेस और थिंग एज ए कलेक्शन इन होल इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, मतलब क्या जो चीज़ें हमें क्या कोई पर्सन प्लेस और थिंग जो होती हैं हमें कलेक्शन में मिलती हैं, मतलब ज़्यादा ढेर सारी होती हैं कलेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे वन आर्मी लेकिन एन आर्मी, तो एक कलेक्शन ऑफ शोल्डर्स। ए क्रोड ए कलेक्शन ऑफ पीपल। ए फ्लीट ए कलेक्शन ऑफ शिप्स और एयरक्राफ्ट, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी कलेक्शन में होती हैं वो हमारे किसके अंडर आती हैं, कलेक्टिव नाउन के अंडर आती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आर्मी के शोल्डर्स हुए, क्रोड भीड़े हुई, फ्लीट्स हुआ जो आपका कलेक्शन शिपों का हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपके कुछ कलेक्शन नाउन के कलेक्शन बताए गए हैं, चलिए देखते हैं। हेयर इज़ ए लिस्ट ऑफ ने इंटरेस्टिंग कलेक्टिव नाउन्स। एक क्लाउडर ऑफ कैट्स, एक कैट्स ऑफ हो, ए स्कूल ऑफ फॉक्सेस, ए पेयर ऑफ डॉल्फिन्स, ए मास्टर ऑफ पीकॉक्स, ए सीगे ऑफ हीरोज हीरोन्स, ए फ्लाइट ऑफ डव्स, ए होस्ट ऑफ स्पैरोज, ए कॉलोनी ऑफ बैट्स, ए कवर ऑफ कोट्स, ए स्लोथ ऑफ बियर्स, ए नेस्ट ऑफ रैबिट्स, ए गंगा ऑफ इल्क्स, ए बैरन ऑफ म्यूल्स, ए सिटी ऑफ बैडजर्स, ए डाउन ऑफ हेयर्स, ए रेग ऑफ क्लोट्स, ए स्ट्रिंग ऑफ पाइनीज, ए हर्ड ऑफ ग्रीन क्रेंस, ए पडिंग ऑफ डक्स। तो ऐसे ये सारी चीज़ें जो अगर आपको वन में पता हो कि मतलब ये कैसे सिंगुलर में होती हैं, बट अगर आपको कलेक्शन में उन्हें जानना हो तो इस तरीके से यहाँ पे सब दी गई हैं जिसे हम कलेक्शन में जान सकते हैं, और वो आती है आपके कलेक्टिव नाउन के अंडर आती है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाई चांस आपको कहीं यूज़ करना हो कलेक्शन में कलेक्टिव नाउन का, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है नाउन्स जेंडर, तो अब हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि जेंडर हमारे क्या होते हैं नाउन्स के। जेंडर रिफर्स टू सेक्स, देयर आर फोर काइंड ऑफ जेंडर्स। चलिए हम पहले क्या जानते हैं, जेंडर जो हमारे होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, उनके फोर काइंड्स होते हैं। फर्स्ट आपका नाउन्स विच रिफर टू मेल्स आर कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर, जो हमारा क्या होता है नाउन जो होता है रिफर किस में होता है, मेल्स में होता है, मतलब मेल में बॉय हुआ मैन हुआ तो वो हमारा क्या होता है मस्कुलिन जेंडर होता है। एज एग्जांपल ग्रैंडफादर अंकल डॉग कॉक टाइगर लॉयन, ये सारे हमारे मस्कुलिन जेंडर के अंडर आते हैं जो एग्जांपल में। सेकंड आपका नाउन्स विच रिफर टू फीमेल्स आर कॉल्ड फीमेनी जेंडर्स, जो हमारे इसमें नाउन्स रिफर होता है फीमेल्स में होता है उसे हम क्या कहते हैं फीमेनी जेंडर्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए आपका ग्रैंड मदर आंट बिच हैन फॉक्स, ये सारा हमारा किसके अंडर आता है मस्कुलिन जेंडर के अंडर आता है। तो फीमेनी जेंडर आपका होता है ग्रैंड मदर आंट बिच हैन फॉक्सेस, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं वो क्या होती हैं फीमेनी जेंडर के अंडर आती हैं। फिर आपका आता है वर्ड्स ऑफ द फीमेनी जेंडर लाइक एक्ट्रेस आर पोएटेस आर यूज लेस ऑफ्टन दीज डेज इंस्टेड द यूज ऑफ नाउन ऑफ द कॉमन जेंडर इज प्रिफर्ड। नाउन विच रिफर टू बोथ ऑफ द मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड ऑफ द कॉमन जेंडर,
देखा जो मतलब देखिएगा इसमें कि जो आपका रिफर होता है क्या मेल और फीमेल जो आपका होते हैं वो किसके अंडर कर अंडर आते हैं, कॉमन जेंडर के अंडर आते हैं। क्योंकि जैसे आपका है पेरेंट्स, मतलब इसमें फादर मदर दोनों होते हैं पेरेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, आपके गर्ल्स भी होते हैं बॉयज़ भी होते हैं, कज़िन भी होते हैं लड़कों को, मतलब बॉयज़ को भी कज़िन कहा जाता है, जो आपके आंट और अंकल के बेटे होंगे वो लोग भी आपके कज़िन होंगे, और जो गर्ल्स होंगी वो भी आपकी कज़िन होंगी। चाइल्ड बच्चे हुए, नॉवलिस्ट, टीचर, ये सारी चीज़ें जो कॉमन होती है, जो मतलब मेल में भी होती है फीमेल में भी होती है, उसे हम क्या किस में अंडर का वो किसके अंडर आते हैं, कॉमन जेंडर के अंडर आते हैं, ठीक है। एग्जांपल में फिर आपका नाउन्स विच रिफर टू नीदर ऑफ द मेल आर नॉर ऑफ द फीमेल आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। तो जो आपका ना ही क्या होता ना मेल होता ना फीमेल होता, वो आपके किसके अंडर आता है, न्यूट्रल जेंडर के अंडर आता है। जैसे चेयर, बुक, बल्ब, वॉच, बाइक, मोटरसाइकिल, वॉच हुई आपकी, टेबल हुआ, डोर हुआ, चेयर हुआ आपके, ये सारी चीज़ें, फ़ैन हुआ, ये सब जो आपके जिसमें लाइफ नहीं होती वो आपके क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं नाउंस नंबर, नाउंस नंबर के बारे में। ए नाउन कैन बी वन आर मोर देन वन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। ए नाउन विच डिनोट्स वन पर्सन प्लेस आर थिंग इज कार सिंगलर। मतलब जो नाउंस नंबर हमारे क्या होते हैं, वन आर मोर देन वन, मतलब एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं आपका नाउंस नंबर, टू टाइप्स। फर्स्ट आपका होता है सिंगलर, जिसमें क्या होता है, नाउन विच डिनोट्स वन पर्सन वन प्लेस और वन थिंग, जो आपका होता है उसमें वन पर्सन भी हो वन प्लेस भी हो और थिंग भी आपकी वन ही हो, तो वो आपके किसके अंडर आते हैं, सिंगलर के। आप लोगों ने आपने 7-6 में पढ़ा होगा सिंगलर और प्लूरल के बारे में, तो वही चीज़ें आपकी है सिंगलर। तो एग्जांपल में आपका टेबल, टॉर्च, लीफ, ये आपका सिंगलर में हो गया। अब हम जानते हैं सेकंड जो आपका है, ए नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड आपका प्लूरल। मतलब जो वन पर्सन से क्या होता है, मोर देन वन पर्सन से ज़्यादा, मोर प्लेस आर थिंग्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, प्लूरल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका टेबल था तो इसमें आपका एग्जांपल में टेबल्स हो जाएगा, चेयर्स था, टॉर्च था तो टॉर्चेस हो जाएगा, लीफ थी तो लीफ्स हो जाएगी। इस तरीके से जैसे वाइफ हो तो वाइफ्स हो जाएगी, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ये सारी चीज़ें जो आपकी प्लूरल में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अगर सिंगुलर में आपको यूज़ करना हो तो इस तरीके के यूज़ करेंगे वर्ड्स, और प्लूरल में हो तो इस तरीके के वर्ड्स आपके यूज़ किए जाते हैं। तो हमने जाना कि नाउंस नंबर जो हमारे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, नाउंस नंबर में वो टू टाइप्स होता है, फर्स्ट आपका सिंगुलर होता है, सेकंड आपका प्लूरल होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी, ये आप लर्न कर लीजिएगा, ओके। फिर आपका नाउंस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज काउंटेबल आर अनकाउंटेबल। जो हमारा नाउन होता है उसको हम क्लासिफाइड किस में करते हैं, काउंटेबल आर अनकाउंटेबल में भी क्लासिफाइड किया जाता है। ए नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउंस। अगर जो नाउंस जो आपकी जो नाउन होती है जिसमें आप काउंट कर सकते हैं चीज़ों को, उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल, वी कैन से वन गर्ल, फाइव बॉयज, फोर ब्रांचेस बनानास। वी यूज़ वन ऑफ द आर्टिकल्स ए एन आर द आर ए नंबर बिफोर काउंटेबल नाउंस। मतलब इसमें हमने क्या यूज़ किया, आर्टिकल्स आपके यूज़ हुए, ए एन द का यूज़ हुआ है, और इसमें नंबर जो आपके दिए गए हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से काउंट कर सकते हैं। फाइव बनानास, फोर बनानास, फाइव बॉयज, वन गर्ल्स, तो आपका काउंट हो सकता है। तो ये आपके किसके अंडर आते हैं, काउंटेबल नाउंस के अंडर आते हैं, जिसको हम आसानी से काउंट कर सकें, गिन सकें। ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउंस। मतलब वो नाउन जो आपका एक नाउन होता है जिसको हम काउंट ना कर सकें, वो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे न्यूज़, टी, साल्ट, ग्लासेस। आप टी को या साल्ट को या हेयर को आप गिन सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल के अंडर आ जाएगा। वी डू नॉट यूज़ ए आर आयन विथ काउंटेबल नाउंस। देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नाउन उसके अनकाउंटेबल नाउंस के
बिफोर नहीं करते, ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं उनके लिए हम ए एन का यूज़ नहीं करते। हाउ एवर वी कैन से ए कप ऑफ टी आर ए पिंच ऑफ साल्ट, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए कप ऑफ टी आर ए पिंच ऑफ साल्ट, इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। तो कि ये आपको समझ में आ रहा हो कि पहले हमने नाउन नंबर के बारे में बताया, फिर आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में बताया, अब हम चलते हैं बताते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पॉसेसिव नाउंस। तो अगर हम चलिए पढ़ते हैं पॉसेसिव नाउन के बारे में। पॉसेसिव फॉर्म ऑफ ए नाउन आंसर द क्वेश्चन हुज, रीड द टू सेंटेंसेस, द बुक ऑफ ए स्टूडेंट इन हिज बैग, द स्टूडेंट्स बुक इज इन हिज बैग। तो इस तरीके से हमने क्या कि पॉसेसिव नाउन में जो आपका होता है कि हुज़ का यूज़ मतलब क्वेश्चन में होता है, और उसके बाद अगर आपका फर्स्ट दिया गया जब बुक ऑफ ए स्टूडेंट इज इन हिज बैग, और सेकंड आपका स्टूडेंट्स बुक इज इन हिज बैग। तो पहले हमने क्या किया जो पॉसेसिव नाउन में हमने स्टूडेंट का यूज़ पहले करके कॉमा लगा के एस बढ़ा दिया, जिसमें इसका यूज़ हो गया। द फॉर्म ऑफ द नाउन स्टूडेंट चेंज इन द सेकेंड सेंटेंस टू स्टूडेंट्स इट शो पॉसेसिव, अगर आपका वही चीज़ जो सेम आपका जो स्टूडेंट लिखा है कॉमा लगा के एस बढ़ा दिए या किसी चीज़ में और चेंजेस कर देते हैं इसी तरीके से एस लगा के, जैसे जैसे आपका होता है इस तरीके से आपका कामा लगा के एस बढ़ा दिए इस तरीके से, या आपका होता है एक इस तरीके से आपका करें तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका पॉसेसिव नाउन में आपका चेंज हो जाता है। द पॉसेसिव केसेस डज नॉट ओनली डिनोट्स पोसेशन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, मोनाज हॉलीडे, ए हॉलीडे दैट इज ऑफ मोना, रेनोज सिस्टर, द सिस्टर ऑफ रन्नो, रन्नोज सिस्टर, द सिस्टर ऑफ रन्नो, नीतूज हाउस, द हाउस इन विच नीतू लिव, युक्तिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ युक्ति। तो इस तरीके से हम इसे कॉमा लगा के एस को बढ़ा देंगे, इस तरीके से हम इन्हें पॉसेसिव में चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जो दिए गए हैं। लेट्स गो थ्रो द रूल्स ऑफ द पॉसेसिव फॉर्म्स ऑफ द नाउन, तो अब हम रूल जानते हैं पॉसेसिव नाउन के उसे कैसे फॉर्म करने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट आपका व्हेन ए नाउन इज सिंगुलर द पॉसेसिव केसेस इज फॉर्म बाय एडिंग अपोस्ट्रॉफी एस टू द नाउन। तो पहला आपका जो आपका रूल हुआ उसमें क्या कह रहा है, अगर सिंगुलर नाउन होता है तो उसमें आप पॉसेसिव नाउन में केसेस में फॉर्म करने के लिए आपको क्या ऐड करना होगा, अपोस्ट्रॉफ, ठीक है। तो एग्जांपल द स्टूडेंट्स बुक, तो इस तरीके से स्टूडेंट तो कॉमा लगा के हमने एस इसमें अपोस्ट्रॉफ कर दिया। सेकंड आपका ए नाउन इज़ इन द प्लूरल फॉर्म एंड इट्स इन एस, द पॉसेसिव केसेस इज फॉर्म बाय एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रॉफ, अगर आपका एस पहले से यूज़ हुआ है तो सिर्फ लास्ट में हम इसके एस लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे। द बॉयज बुक्स, ठीक है, बुक्स में हमने एस बढ़ा दिया, फुल स्टॉप लगा देंगे। थर्ड आपका व्हेन ए नाउन कंप्रिजेस मोर देन वन वर्ड वी पुट द अपोस्ट्रॉफ्स एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड, एग्जांपल चीफ यूनिफॉर्म। तो अगर कह रहा है कि अगर किसी में कंप्रिजेस किया जा रहा है मोर देन वन वर्ड्स का, तो वी पुट द अपोस्ट्रॉफ एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड, तो हम उसके लास्ट में अपोस्ट्रॉफ के लास्ट में ही अपोस्ट्रॉफ का यूज़ कर देते हैं वर्ड्स के एंड में। व्हेन वी वांट टू टॉक आर राइट अबाउट द सेपरेट पोसेशन ऑफ टू नाउन्स ईच नाउन टेक्स एन अपोस्ट्रॉफ, एग्जांपल मिस्टर भाटियाज एंड मिसेज भाटियाज चिल्ड्रेन। तो इस तरीके से हमें अगर दो चीज़ों में अलग अलग सेपरेट करना हुआ, अगर अलग करना हुआ तो इस तरीके से मिस्टर भाटियाज यहाँ पर स्टॉप लगा एस पड़ गया, यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया है। व्हेन द नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म बट डज नॉट इन एस वी यूज एन अपोस्ट्रॉफ एस एंड यस, एग्जांपल वुमेन्स ड्रेसेस, अगर आपका जो अपोस्ट्रॉफ लगा के हम इन करते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं तो पहले हम अपोस्ट्रॉफ वुमेन्स का यूज़ करके उस लास्ट में आपके ड्रेस में एस जोड़ कर ऐड करके उसका फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है।
इस तरीके से ये आपका बताया जा रहा है। फिर आपका सिक्स पॉइंट जो है, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड वी यूज द अपोस्ट्रोफ विद द एज विद द नाउन दैट कम्स सेकंड। देखिए हमारा जो टू नाउन्स जो क्लोज होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसमें अपोस्ट्रोफ के बाद एस लगाना हो तो आपके नाउन्स क्या हो, सेकंड जो आपके नाउन्स होते हैं उसमें यूज़ किया। जैसे रिंकी एंड सीमाज मदर, तो हमने क्या किया, फर्स्ट आपका नाउन है उसमें हमने नहीं ऐड किया, हम एंड लगा के सेकंड जो आपका नाउन था उसमें हमने एस का यूज़ किया, रिंकी एंड सीमाज मदर। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। पहले आप रूल्स को अच्छे से इसे रीड करें कि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से आपको ऐड करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। जो वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं।